हिमाचल के निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 122वीं जयंती सिरमौर कल्याण मंच द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सोलन में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर सहित सिरमौर कल्याण मंच के सभी सदस्यों ने सोलन के चिल्ड्रन पार्क में लगी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें याद किया। सिरमौर कल्याण मंच सोलन के प्रधान बलदेव सिंह चौहान व नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर परमार प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे थे और उन्होंने प्रदेश के निर्माण में अपनी विशेष भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के गृह क्षेत्र की सड़कों को पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आज के दिन मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार के गृह क्षेत्र की सड़कों का सुधार करवाते हैं तो वही परमार को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की आज 112वीं जयंती है। डॉक्टर परमार कला प्रेमी थे और उसी उद्देश्य से सिरमौर के संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सिरमौर कल्याण मंच हर वर्ष यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। बाकी मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जिन्होंने अभी घोषणा की थी कि सिरमौर में डॉक्टर परमार के गाँव को सड़कों में सुधार किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, मैं आग्रह करूँगा कि ये सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि होगी अगर माननीय मुख्यमंत्री आज के दिन उसकी DPR तैयार करके, उसकी घोषणा करके, पैसा रिलीज करके, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि डॉक्टर परमार को ये होगी। डॉक्टर YS परमार जी को हिमाचल निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। वो एक कानून के ज्ञाता ही नहीं थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उनकी सादगी का सारे देश में उनका अनुसरण करते हैं, क्योंकि जिस सादगी से वो रहते थे वो सिरमौर की अपनी वेशभूषा है, अपनी संस्कृति है, जिसका उन्होंने सारे हिमाचल में अपने द्वारा प्रचार किया और उनके मृद भाषा बोलते थे जिससे लोग उनकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते थे। सभी लोगों को आज के इस अवसर पर प्रण लेना चाहिए कि उसका अनुसरण करें।